अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेविकॉन। फेविकॉन भी बोलते हैं इसको और फेविकॉन भी बोलते हैं, असल में ये शॉर्ट फॉर्म है फेवरेट आइकॉन की। तो मैं अभी इस फेविकॉन की बात कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है सबसे पहले ये समझते हैं और फिर इसको अप्लाई करने का मेथड देखते हैं। तो लेट्स गेट टू द वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में अगर मैं इसको फ्रंट एंड पे ओपन करूँ या आप कोई भी दुनिया की साइट ओपन कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल ही ओपन कर लेता हूँ, तो जो ब्राउज़र टैब के अंदर आपको ये टॉप पे ये जो आइकन नज़र आ रहा है, ये गूगल के साथ एक छोटा सा आइकन टैब में नज़र आ रहा है आपके ब्राउज़र टैब में, ये आपका फेविकॉन है। ये आप देखें यहाँ पे, ये जो साइट है जो इसको हम यूज़ कर रहे हैं, अगर इसको देखो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये टॉप पे एक एम सा बना हुआ है, ये इसका फेविकॉन है या फेविकॉन है। सो इसको कैसे लगाते हैं, तो आपको पहली बात तो ये समझ आ गई कि फेविकॉन होता क्या है, फेविकॉन होता क्या है। जो आपके ब्राउज़र में ये जो आइकन शो हो रहा होता है आपको, ये आपका फेवरेट आइकन है। और इसको हम लगाते कैसे हैं, अब ये बात करते हैं। सो वेबसाइट पे आता हूँ मैं, और वेबसाइट पे आके मैं आपको लेके चलता हूँ अपेयरेंस में। अपेयरेंस में कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, हम इसमें चलते हैं। ये थीम सेटिंग्स में भी अक्सर होता है, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पर यूजली आपका फाइव आइकन चेंज हो रहा होता है, पड़ा होता है, जहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस वजह से मैं आपको उस सेटिंग पे लेके जाऊंगा जहाँ पे यूजुअली ये अवेलेबल होता है। कुछ केसेस में थीम की सेटिंग में भी ये अवेलेबल होता है। सो अपेयरेंस आपके पास नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड बार में, कोई प्लगइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आपका बिल्टन है। और इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है आपको सेकंड वन कस्टमाइज, ये भी बिल्टन है, कोई प्लगइन इंस्टॉल करके नहीं आता, ये बाय डिफॉल्ट है। तो अपेयरेंस में कस्टमाइज के अंदर आप चले जाएँ, और कस्टमाइज में जैसे आप आएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा साइट आइडेंटिटी का, जहाँ पर आपके पास आपका साइट आइकन भी इसको बोलते हैं, फेवरेट आइकन भी इसको बोलते हैं, फेव आइकन या फेविकॉन बोल लें, ये इसी के सारे नाम हैं, हम ये चेंज कर सकते हैं। तो मैं आ गया कस्टमाइज में, अपेयरेंस में कस्टमाइज में आया, और कस्टमाइज में मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं जर्नल, और ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं जो थीम के ऑप्शन हैं, थीम की सेटिंग्स हैं। तो मैंने आपको बोला था साइट आइडेंटिटी, तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा नीचे जाके ये आपके पास साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारे केसेस में जब थीम सेटिंग्स यहाँ पे नहीं होती तो ये टॉप पे भी शो हो रहा होता है, बहरहाल हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो साइट आइडेंटिटी ऑप्शन है, इसके अंदर आपने जाना है, और यहाँ पे आपके पास साइट का टाइटल आ रहा है, टैगलाइन आ रही है, और उसके बाद ये देखिए आपके पास ये साइट आइकन का पार्ट आ रहा है। आइकन के अंदर ये रिमूव करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, जो आपका लाइक डिस्प्ले ख़त्म हो गया, अब आपका फाइव आइकन नहीं लगा हुआ। तो बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है, बाई डिफ़ॉल्ट आपका फाइव आइकन, बाय डिफ़ॉल्ट आपका फाइव आइकन पहले से नहीं लगा होता। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ रहा होगा। अब फाइव आइकन का बोला हुआ है कि जी स्क्वेयर साइज़ के अंदर होना चाहिए, 512x512 पिक्सल का हो, ये 64x64 पिक्सल का भी हो सकता है, ये 32x32 का भी हो सकता है, ये 128x128 का भी हो सकता है, बस स्क्वेयर होना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि .ico एक्सटेंशन हम यूज़ करें, जैसे .png होता है, png इमेज होते हैं, jpg या jpeg इमेज होते हैं, इस तरह गिफ्ट होते हैं, इसी तरह से ICO आइकन के लिए जो है ना आपकी एक्सटेंशन होती है, अगर हम वो इमेज यहाँ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना PNG या JPG भी लगाओगे तो चल तो वो भी जाएगा। अब ये इमेज यहाँ पे जो लगाना है, आपके पास इमेज होगा फेव आइकन, आप इसको ऑनलाइन बना भी सकते हैं, जैसे इन केस अगर आपके पास ना हो, आप डिज़ाइन भी करवा सकते हैं डिज़ाइनर से, खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप कोई वर्ड बेस्ड अगर आपने बनाना है तो वो बनाया जा सकता है। तो मैं गूगल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइव आइकन जनरेटर, मैंने ये लिखा और ये लिख के मैं सर्च कर देता हूँ, तो बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे। डिज़ाइन अप करोगे तो मे भी बहुत अच्छा आपने डिज़ाइन करवाया हो, मैं जस्ट इस केस में बता रहा हूँ, जब आप डिज़ाइन वगैरह नहीं कर रहे हो और ख़ुद से आप कह रहे हो कि यार फटाफट से कोई कदा बना के मैं लगा दूँ। सो हम लोग देख लेते हैं आपको जनरेट करके यहाँ पे आइकन बेस्ड, लाइक ये हमारा जो स्टोर है ये तो असल में मीन्स के है ऐसे स्टॉप शॉप, लेकिन मैंने इसको डमी में किसी तरह का बनाया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल SEO, अगर S मेरा फर्स्ट वर्ड है, मैं कहता हूँ जी S बेस कोई फाइव आइकन मैं बना लूँ, तो यहाँ पे ये देखो नंबर S है, ये आपका S जो है वो आ रहा है अल्फ़ाबेट, आप S पे क्लिक करो और ये S के साथ जो जो फाइव आइकन बनाए जा सकते हैं सब कुछ आ रहे हैं। तो अगेन ये जस्ट उस केस में कह रहा हूँ जब आपको नहीं पता, नहीं बनाना आता, तो चलो अगर आप फटाफट से कुछ बनाना चाहते हो तो बना लो, वरना आपका डिज़ाइनर या आपका जो क्लाइंट है उसको बोल दोगे या आप किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा के ऐड करवा लोगे, बस स्क्वायर साइज इमेज होना चाहिए।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट है फेविकन जनरेटर, तो मैंने उसमें जाके मैं जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं टेक्स्ट बेस्ड जनरेट कर रहा हूँ, मैंने एस सेलेक्ट किया जी, मेरा जो फर्स्ट वर्ड है या साइट है वो ऐसे स्टार्ट होती है, तो चलो मैं एस वाला बना लेता हूँ। तो ये अब डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, मैं कहता हूँ ये जो गोल सर्कल वाला है मुझे ये यूज़ करना है, तो ये आपके सामने एडिट का ऑप्शन है और ये साथ आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है। तो मेरे पास ऑप्शन था इसको एडिट करने का भी, और मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। एडिट करके इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास डाउनलोड होकर आ गया .ICO फॉर्मेट में। और मैं क्या करूँगा, अपनी साइट पर वापस जाऊँगा, साइट आइडेंटिटी में यहाँ पे सिलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करूँगा, अपलोड पे जाऊँगा, और ये जो मैंने आइकन ऐड किया है इसको मैं अपलोड कर लूँगा। अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा, मैं जो पहले से मेरा कोई लगा हुआ था या उसी को यूज़ कर लेता हूँ, और लाइक ताकि मैं इसको फटाफट से कम्प्लीट करूँ। तो आई गेस ये था या कुछ और था, पर जो भी था कुछ इस तरह का लगा हुआ था, तो मैं लोगों में से भी निकाल सकता हूँ, मैं ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता। तो जो भी आइकन आप लगाओगे स्क्वेयर इमेज होना चाहिए, स्क्वेयर साइज में होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो कोई और लगा हुआ था, ये ब्लैक में आ रहा है या व्हाइट में आ रहा है, बादल आपको लगाने का पता चल गया कि फाइव आइकन लगाते कैसे। तो अगर खुद से बनाना पड़े तो बना के भी लगाया जा सकता है, वरना ये बना बनाया अवेलेबल होता है, आपका डिज़ाइनर जो है वो बना सकता है, लोगों के साथ साथ इसको भी डिज़ाइन करते हैं, स्क्वेयर इमेज हो, बहुत बड़ा इमेज ना हो। तो ये असल में आपकी जो ब्राउज़र टैब के अंदर जो आइडेंटिटी है, या जो शॉर्ट आइकन कह लो इसको, शॉर्टकट कह लो इसको, ब्राउज़र आइकन बोल रहो इसको, साइट आइकन बोल रहो इसको, फेविकॉन बोल लो, फेव आइकन बोल लो, ये सब एक ही चीज़ है। इस तरह से करके आप पब्लिश कर देंगे, ये आइकन आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन ऐड अ फेविकॉन ऑन योर वेबसाइट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।